आप लोग को पता होगा कल के डेट में यूपी मेट्रो का एडमिट कार्ड रिलीज कर दिया गया है। तो इस वीडियो में हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण निर्देश के बारे में बात करेंगे जो एडमिट कार्ड में आप लोग को मेंशन किया गया है। इस सभी को निर्देश को आपको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आप परीक्षा से वंचित हो सकते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, मैं पॉइंट बाई पॉइंट करके बताऊँगा। तो जितने भी कैंडिडेट वीडियो को नहीं देख रहे होंगे सभी से मैं रिक्वेस्ट करूँगा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अच्छा लगा लाइक करके जाइएगा और अपने दोस्तों को जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो देख पा रहे होंगे मैं अभी एक स्टूडेंट का एडमिट कार्ड खोल कर रखा हूँ। तो यहाँ पे देख पा रहा हूँ ऊपर में यूपी मेट्रो रेल कॉरपोरेशन का लोगो लगा हुआ है और यहाँ पे लिखा गया है एडमिट कार्ड। और यहाँ पे देख पा रहा हूँ मेंटेनर इलेक्ट्रिकल। तो देखिए आप लोग को फर्स्ट ऑफ ऑल ये आप लोग का जो एडमिट कार्ड है इसको आप लोग को कलर प्रिंट निकाल लेना है। कलर प्रिंट निकाल सकते हैं तो बेटर है, एंड ब्लैक एंड वाइट भी चलेगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कलर निकालिएगा तो और भी अच्छा रहेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे एक ब्लैंक है, कंप्यूटर नोड नंबर टू फिल्ड बाय कैंडिडेट। तो इसको अभी आप लोगों को भरना नहीं है, इसको अभी छोड़ दीजिएगा। यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे आप लोगों को फोटो चिपकाना है, जो आप फोटो अपलोड किए होंगे वही फोटो यहाँ पे आप लोगों को चिपकाना है। और यहाँ पे आप लोगों को नीचे में सिग्नेचर करना है, जैसे कि ये ब्लैंक जगह है तो यहाँ पे आप लोगों को सिग्नेचर करना है। आपको फेस या क्रॉस सिग्नेचर फोटो पे करना नहीं हो, यानी कि फोटो पे आप लोगों को सिग्नेचर नहीं करना है, फोटो के नीचे आप लोगों को सिग्नेचर करना है। और यहाँ पे जो एक देख पा रहे होंगे सिग्नेचर ऑफ इन्विगिलेटर, तो यहाँ पे आप लोगों को सिग्नेचर नहीं करना है, जो आप वहाँ पे जाइएगा एडमिट कार्ड लेकर के, जब आपका एग्जामिनेशन होगा तब आप लोगों को वहाँ पे जो रहेंगे अधिकारी वही यहाँ पे सिग्नेचर करेंगे। उसके बाद नीचे आइएगा तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे एक डिक्लेरेशन फॉर्म है, तो यहाँ पे आप लोग को नहीं भरना है, ये आप लोग को भराया जाएगा। यहाँ पे देख पा रहे हैं लिखा हुआ है कैंडिडेट हैज़ टू राइट बिलो डिक्लेरेशन इन एग्जामिनेशन हॉल प्रेजेंस ऑफ इन्विगिलेटर ओनली, यानी कि जब एग्जामिनेशन हॉल में जाइएगा तभी आप इसको भरना है, जो वहाँ के अधिकारी होंगे उनके सामने में ये चीज़ भरना है। आप लोग का यहाँ पे नाम, यहाँ पे पिताजी का नाम, यहाँ पे डेट प्लेस लेफ्ट थंब इम्प्रेशन सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट ये अभी नहीं भरना है, इसको आप लोग अभी छोड़ दीजिएगा डिक्लेरेशन वाला, सिर्फ ऊपर वाला भरिएगा। ये हो गया इंपॉर्टेंट चीज़ कि क्या क्या डालना है। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं महत्वपूर्ण निर्देश के बारे में, क्या क्या आप लोग को लेके जाना होगा। तो देखिए आप लोग एक अपना रिसेंट पासपोर्ट साइज फ़ोटो ले लीजिएगा, जो अपलोड किए होंगे वही वाला आप लोग को एक फ़ोटो लेके जाना है। यहाँ पे लिखा गया है और देख पा रहे होंगे प्लीज ब्रिंग एडमिट कार्ड, एडमिट कार्ड तो आपको प्रिंट निकलवा के लेके जाना ही है। उसके बाद आप लोग को एक फ़ोटो ले लेना है, कलर फोटोग्राफ। उसके बाद बात कर लेता हूँ आइडेंटिटी प्रूफ के बारे में, तो इनमें से एक लेना है, तो पैन कार्ड हो सके तो पैन कार्ड ले लीजिए, इन सभी में से एक, यानी कि पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, बैंक पासबुक विथ फोटोग्राफ, इनमें से आप लोग को एक लेके जाना है। यहाँ पे आधार कार्ड का मेंशन नहीं है, तो आधार कार्ड हो सके तो नहीं अलाउ करें, लेकिन यहाँ पे जो मेंशन किया गया है इन्हीं में से एक आपको ओरिजिनल आईडी प्रूफ आप लोग को यहाँ पे लेके जाना होगा, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या वोटर आईडी कार्ड या बैंक पासबुक विथ फोटोग्राफ। यहाँ पे आधार कार्ड का मेंशन नहीं है, तो इन सभी में से एक ओरिजिनल आईडी प्रूफ आप लोग रख लीजिएगा। और यहाँ पे लिखा गया है ई आधार विल बी एक्सेप्टेड एज अ वैलिड आईडी प्रूफ, यानी कि ई आधार यहाँ पे बोला गया है, तो ई आधार भी ले सकते हैं, लेकिन इन सभी जो ऊपर में दिया गया है वो चीज़ ले सकते हैं। ई आधार मतलब होगा कि आपका जो मोबाइल में दिखाता है वो वाला आधार कार्ड। और यहाँ पे देख पा रहे होंगे, मैं आप लोग को बता देता हूँ, आप लोग का यहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर में आप लोग को पहुँच जाना है पहले ही, जहाँ पे आप लोग का एग्जामिनेशन सेंटर है वहाँ पे पहले पहुँच जाना है, और सही उत्तर के लिए एक मार्क दिया जाएगा और गलत उत्तर के लिए 1/3 आप लोग का मार्क कट कर दिया जाएगा, तो इसलिए आप लोग निगेटिव मार्किंग नहीं लीजिएगा। उसके बाद मैं बता देता हूँ यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़, आप कोई भी जो इम्पोर्टेंट कैलकुलेटर, नोटबुक या उसके बाद घड़ी, ये सभी आप लोग को अलाउ नहीं है एग्जामिनेशन सेंटर, मोबाइल वगैरह ये सभी आप लोग को अलाउ नहीं है। यहाँ पे देख पा रहे होंगे सिर्फ आप लोग एडमिट कार्ड, फोटो आईडी कार्ड ओरिजिनल, पेंसिल और बॉल पॉइंट पेन ही लेकर आप लोग को जाना है एग्जामिनेशन हॉल में, और कोई भी चीज़ आप लोग को अलाउ नहीं है, परमिशन नहीं है। ये होगी आप लोग को क्या क्या चीज़ लेकर जाना है। उसके बाद एक है आप लोग का कोविड-19 के लिए यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि आप लोगों को मास्क, ग्लव्स, हैंड सैनिटाइज़र ये लेकर जाना है। उसके बाद यहाँ पे डिस्टेंस बना कर रखना है। उसके बाद एक ये प्रिंट निकलवा लीजिएगा सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, और यहाँ पे आप लोग को भर देना है आप लोग का जो चीज़ मेंशन यहाँ पर किया गया, आपका कफ है या फीवर है यहाँ पर टिक करना है, नहीं है तो नहीं टिक कीजिए। उसके बाद कैंडिडेट नेम, रोल नंबर, डेट ऑफ एग्जाम, एग्जामिनेशन सेंटर नेम, सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, ये फॉर्म भर लीजिएगा, ये भी एक प्रिंट निकाल लीजिएगा।
तो आई होप अब मैंने सारा पॉइंट आप लोग को बता दिया हूँ। तो वीडियो अच्छा लगा होगा लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को जरूर इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।